नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना पे। आज हम बात करने वाले हैं DRDO वैकेंसी 2023 के बारे में। तो DRDO की तरफ से यहाँ नई भर्ती आई हुई है, तो आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भर्ती कैसे कर सकते हैं। DRDO का जो फुल फॉर्म है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। तो इस प्रकार से होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद आपको करियर्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका करियर्स पेज खुलेगा। इस प्रकार से आपको नीचे आ जाना है। नीचे आइएगा तो आप यहाँ से अपना जॉब यहाँ सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे आपको वैकेंसीज मिल जाएगा। तो आपको इसी पेज पे नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आइएगा तो आज हम बात करने वाले हैं एडवर्टीजमेंट फॉर द सेलेक्शन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बारे में। तो यहाँ लास्ट डेट आपको बताया हुआ है, 25 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 25 अप्रैल। यहाँ जो आपको एडवर्टीजमेंट यहाँ PDF है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका नोटिफिकेशन खुल जाएगा, जो कि देखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की तरफ से यहाँ निकाला गया है। 5 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका था और लास्ट डेट जो है 27 अप्रैल है। यहाँ पे आपको पोस्ट कोड यहाँ पे बताया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट, पे लेवल रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए, कैटेगरी, टेंचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लोकेशन आपको बताया गया है, बेलूर यमलूर पोस्ट, बेंगलुरु में आपका पोस्टिंग रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है BE BTech किए हुए होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग से, वो भी आपको फर्स्ट क्लास में, मतलब कि 60+ से आपको परसेंटेज रहना चाहिए, पास किया हुआ होना चाहिए। साथ में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट जो यहाँ पे रखा गया है 63 रखा गया है, मिनिमम आपका 18 रखा गया है, 18 to 63 ईयर्स आपका रखा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको देखिए मंथली जो पेमेंट मिलेगा वो 60,000 मिलेगा। आपको जो ये फॉर्म भरना होगा वो ऑफलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। इसमें अच्छा बात ये है कि इसमें आपको कोई भी फीस नहीं लगेगा और यहाँ पे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ना ही आपको यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपके मार्क्स के बेसिस पे ही आपको यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा। तो ऑफलाइन जो आप फॉर्म भरेंगे वो आपको इस एड्रेस पर भेजना होगा। तो इस एड्रेस, यहाँ जो एड्रेस दिया हुआ है, सिस्टम कैप्स बेलूर यमलूर पोस्ट बेंगलुरु, यहाँ पिन कोड बताया हुआ है, तो इसी पोस्ट में आपको भरना होगा। ये है इसका फॉर्म। तो इस फॉर्म को आपको अच्छे से देख के भर लेना है, प्रिंट आउट पहले निकाल लेना है, प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको भर लेना है। भर लेने के बाद आपको उसी एड्रेस पे भेजना होगा। यहाँ से आप देख लीजिए फॉर्म को, आपको यहाँ सिग्नेचर करना होगा, डेट भरना होगा और बाई पोस्ट वहाँ से भेज दीजिएगा।